हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे सीआईबी के मॉड्यूल बी का एबीएम पेपर का सबसे पहला चैप्टर जो कि है यूनिट 12 टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि मनी का जो वैल्यू है इन कंपैरिजन ऑफ टाइम वो क्या हो रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू इज अ कंसेप्ट विच शोज दैट मनी हैज़ अ टाइम वैल्यू। जैसे हमारे आने वाले समय के साथ मनी का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा या कम होगा, उसी को इसमें इस चैप्टर में बताया गया है। कॉमन सेंस अप्रोच टू प्रेजेंट वैल्यू। पीपल प्रिफर प्रेजेंट कंजम्पशन टू फ्यूचर कंजम्पशन। पीपल जो लोग हैं वो प्रेजेंट कंजम्पशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं फ्यूचर कंजम्पशन के कंपैरिजन में। ड्यू टू इन्फ्लेशन वैल्यू ऑफ मनी और करेंसी डिप्रिसिएट्स। इन्फ्लेशन की वजह से मनी की वैल्यू जो है वो कम हो सकती है। फिर है देयर इज़ अ रिस्क एसोसिएटेड विथ रिसीविंग द कैश फ्लो इन फ्यूचर। हमारा जो फ्यूचर में कैश फ्लो हम लोग रिसीव कर सकते हैं उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड होता है। हायर द रिस्क मोर इज़ द इरोजन इन वैल्यू। अगर रिस्क ज़्यादा है तो वैल्यू में इरोजन ज़्यादा होगी, अगर रिस्क कम है तो वैल्यू में इरोजन कम होगी। फिर नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट क्या होता है? डिस्काउंट रेट इज़ अ रेट एट विच प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैश फ्लो आर ट्रेडेड ऑफ। द प्रिफरेंस फॉर करेंट कंजम्पशन ग्रेटर प्रिफरेंस हायर डिस्काउंट रेट। फिर डिस्काउंट रेट वो रेट होता है जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर कैश फ्लो जो है वो ट्रेडेड ऑफ होती है। यहाँ पे देखिए इसके तीन प्रेफरेंस दिए हुए हैं। अगर हमारा प्रेफरेंस ज़्यादा होगा तो हमारा डिस्काउंट रेट ज़्यादा होगा। प्रेफरेंस का मतलब यहाँ पे फ्रेंड दिया हुआ है ना कि पीपल प्रेफर प्रेजेंट कंजम्पशन टू फ्यूचर कंजम्पशन, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि अगर ग्रेटर प्रेफरेंस होगी तो हायर डिस्काउंट रेट होगा, अगर हमारा हायर इन्फ्लेशन होगा तो हायर डिस्काउंट रेट होगा, और हायर रिस्क होगा तो हायर डिस्काउंट रेट होगा। वही चीज़ यहाँ पे तीनों पॉइंट में कही हुई है। यहाँ पे प्रेफरेंस कही हुई है, यहाँ पे इन्फ्लेशन कही हुई है, और यहाँ पे एसोसिएटेड रिस्क के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। द प्रोसेस ऑफ डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज कन्वर्ट्स देम इनटू प्रेजेंट कैश फ्लो। किसी भी प्रेजेंट कैश फ्लो को हम लोग अगर डिस्काउंट करते हैं फ्यूचर कैश फ्लो का तो हमारा प्रेजेंट कैश फ्लो निकलता है। कन्वर्सली द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग कन्वर्ट्स प्रेजेंट कैश फ्लो इनटू फ्यूचर कैश फ्लो। और प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा प्रेजेंट कैश फ्लो जो है वो फ्यूचर कैश फ्लो में कन्वर्ट होता है। तो डिस्काउंटिंग जो है वो फ्यूचर को प्रेजेंट में कन्वर्ट करेगा और कंपाउंडिंग जो है वो प्रेजेंट को फ्यूचर में कन्वर्ट करेगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश फ्लो सच एज सिंपल कैश फ्लो एन्यूटीज एंड परपेचुइटीज। और सिंपल कैश फ्लो क्या है? सिंगल कैश फ्लो इन ए स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम पीरियड। सिंपल कैश फ्लो जो होता है वो एक सिंगल कैश फ्लो होता है किसी भी स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम पीरियड के बीच में। यहाँ पे डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग, ये मैंने पहले बता दिया आपको कि डिस्काउंटिंग जो है वो हमारे फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट कैश फ्लो में कन्वर्ट करने पे होता है, और कंपाउंडिंग में जो है वो प्रेजेंट कैश फ्लो को फ्यूचर कैश फ्लो में कन्वर्ट करने पे होता है। अब फ्रेंड यहाँ पे देखिए प्रोसेस दिया हुआ है कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू। किसी भी वैल्यू को की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सी एन इज इक्वल टू पी वी इंटू वन प्लस आर का पावर एन। पी वी इज आवर प्रेजेंट वैल्यू एंड सी एन इज आवर फ्यूचर वैल्यू। तो किसी भी अमाउंट का जो फ्यूचर वैल्यू है और प्रेजेंट वैल्यू है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यही पी वी अगर हम लोग ये जो वन प्लस आर बाई एन आर का पावर एन है ये अगर हम सी एन के डिवाइड में लेते हैं तो पी वी निकलेगा, और सी एन इज इक्वल टू पी वी में हम वन प्लस आर का पावर एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एन निकलेगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड एग्जाम्पल्स देके समझाया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू जो है 10,000 है, इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस, व्हाट विल बी द कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अभी फ्रेंड यहाँ पे जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोल रहा है क्वार्टरली है, इसका मतलब हमारा चार क्वार्टर होगा, तो मतलब हमारा टाइम क्या हो जाएगा 4, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12 है तो ये इसको हम 1/4 करेंगे तो वो हमारा 3% होगा।
अभी उसको फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर दिया गया है, सी फोर इज इक्वल टू पी वी, सी फोर इज मतलब चार जो क्वार्टर हमारा था वही एन की वैल्यू यहाँ दी हुई है, पी वी इंटू वन प्लस आई बाई हंड्रेड का पावर फोर, 10,000 इंटू आर हमारा 3% आया था, 1 प्लस आई बाई हंड्रेड का वैल्यू 1.03 का पावर 4, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आया 12550.88। ठीक इसी तरह यहाँ पे दिया फ्रेंड सेकंड एग्जांपल, कैश फ्लो एट द एंड ऑफ वन ईयर इज 10,000, डिस्काउंट रेट इज 8% एट क्वार्टरली रेस, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू। अभी यहाँ पे क्या है, हमारा कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो हमारा सी फोर का वैल्यू कितना है, 10,000 है, प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालना है। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, क्वार्टरली है, तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 आ गया, और टाइम जो था वो हमारा 1 ईयर था, एंड ऑफ 1 ईयर, क्वार्टरली है, इसलिए टाइम की वैल्यू 4। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारा आंसर आएगा 9238.45। अब नेक्स्ट है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है फ्रेंड, नंबर ऑफ कैश फ्लोस दैट कुड बी पे आउट्स एंड पे इन्स, वी वर्क आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लोस। जो भी कैश फ्लोस है, जो हमारी इनफ्लो और आउटफ्लो हो रही है कैश की, उसके सम टोटल के, प्रेजेंट वैल्यू के सम टोटल को हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। ये पॉजिटिव साइंस और निगेटिव साइंस के थ्रू होते हैं फ्रेंड। अभी देखिए हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए टुडे पे आउट दिया हुआ है 10,000, आफ्टर 1 ईयर पे इन 6,500, आफ्टर 2 ईयर पे इन 9,000, आफ्टर 2 ईयर पे आउट 1,000। नाउ अज्यूमिंग डिस्काउंट रेट ऑफ 10% एंड कंपाउंडिंग इज ऑन एनुअल बेसिस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस फोर कैश फ्लोज विल बी एज फॉलोज। तो हमारा फर्स्ट ईयर के वैल्यू जो है -10,000 जो है वो हमारा पे आउट हो रहा है, तो ये माइनस में होगा। फिर जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू 2 था, आफ्टर 1 ईयर जो हमें 6,500 मिल रहे थे वो पे इन था, तो 6,500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर बाई 100, आर हमारा 10% दिया हुआ है, तो इसलिए 1 प्लस 10 बाई 100, इसको सॉल्व आउट करने से वैल्यू आया +5909। फिर PV3 हमारा दिया हुआ था फ्रेंड पे इन और ऑफ रुपीज 9,000, यहाँ पे देखिए आफ्टर 2 ईयर्स, तो 9,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का पावर आर बाई 100 का पावर 2, यहाँ पे 2 साल हो गए, यहाँ पे 1 साल थे तो इसीलिए यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 2 साल हुए तो पावर 2, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर है 7438। फिर है आफ्टर 2 ईयर पे आउट ऑफ रुपीज 1,000, तो माइनस होगा, -1,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर बाई 100 का पावर, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ भी 2 होगा, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आया -826.45। अब नाउ कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, एन पी वी इक्वल टू पी वी 1 प्लस पी वी 2 प्लस पी वी 3 प्लस पी वी 4। तो ये सारे वैल्यूज हमने ले लिए, ये हमारा -10,000 प्लस 5909 प्लस 7438 माइनस 826.45। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर है +2528। यहाँ पे फ्रेंड देखिए नीचे में दिया हुआ है कि एन पी वी इज ग्रेटर दैन 0, इट गिव सिग्नल दैट द प्रोजेक्ट मे बी एक्सेप्टेड, इफ एन पी वी इज लेस दैन 0 then the project should be rejected. The situation of NPV is equal to 0 is indicates neutral. फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज रिटर्न और इनकम फॉरगॉन इन इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग द सेम इन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। जैसे हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं मनी इन्वेस्ट करने के लिए, एक में हमारा रिस्क कम है, एक में हमारा रिस्क ज़्यादा है, तो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ को प्रेफर करना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिंग द सेम इन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़। देखिए इसको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। You are considering investing in a house or property worth rupees 4 lakhs today and your real estate advisor has estimated that the cost would go up to 5 lakhs in a year. That is not the only way you can earn money as you have various investment options. You can invest in PPF with the interest rate of 8%. How much would you have to invest PPF to receive 5 lakhs after a year?
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दे रहा है कि हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो है कि हम हाउस प्रॉपर्टी में 4 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करें, या फिर 5 लाख रुपीज़ हम 8% पे इन्वेस्ट करें। तो हमारे लिए कौन सा प्रिफरेबल होगा? अभी फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 5 लाख जो हमारा PPF था 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसका यहाँ पे वैल्यू निकाला है। तो प्रेजेंट वैल्यू उसका कितना रहा है? 4,62,963। 5 लाख डिवाइडेड बाई 1+R/100, तो इसका वैल्यू आया 4,62,963। और यहाँ पे हमें कि प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है? 4 लाख। और यहाँ पे हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 4,62,963। तो वही यहाँ पे दे रहा है कि हायर रिस्क इन टर्म ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न, लोअर रिस्क एंड लोअर रिटर्न। हाई रिस्क में हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, लो रिस्क में हमें लो रिटर्न मिलेगा। इट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकॉज इट इज़ द रिटर्न फॉरगॉन बाय इन्वेस्टिंग इन द प्रोजेक्ट रादर देन इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट ना करते। अभी नेक्स्ट है फ्रेंड, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिस्काउंट रेट। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट के ऊपर इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होता है? तो इट रिड्यूसेस परचेजिंग पावर ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारा फ्यूचर कैश फ्लो का जो परचेजिंग पावर है वो कम होगा। दिस एडजस्टमेंट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, और ये फ्यूचर कैश के वैल्यू को भी कम करेगा। फिर यहाँ पे एक रियल कैश फ्लो निकालने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। रियल कैश फ्लो इज इक्वल टू नॉमिनल कैश फ्लो डिवाइडेड बाई 1+ इन्फ्लेशन रेट। ये जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी तो वहाँ पे इसके न्यूमेरिकल में बताऊंगी कि इसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। अभी सेकंड जो दिया हुआ है वो है इफेक्ट ऑफ रिस्क ऑन डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट पे रिस्क का क्या इफेक्ट पड़ता है? ये फ्रेंड हमने पीछे भी देखा था कि अगर रिस्क हायर होगा तो डिस्काउंट रेट भी हायर होगा, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। लेकिन यहाँ पर दे रहा है द ग्रेटर द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द कैश फ्लो इन द फ्यूचर द हायर द डिस्काउंट रेट। अगर रिस्क जो है वो हायर एसोसिएटेड है कैश फ्लो इन द फ्यूचर, तो हमारा डिस्काउंट रेट भी हायर होगा। अभी यहाँ पे दो चीज़ दी हुई है, नेट प्रेजेंट वैल्यू रूल और रेट ऑफ रिटर्न रूल। नेट प्रेजेंट वैल्यू भी हमने देख लिया, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट नेट है पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। जहाँ पे हमारी NPV इज ग्रेटर देन 0 थी तो वो हमारे लिए वो इन्वेस्टमेंट हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। और रेट ऑफ रिटर्न रूल में क्या है? एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट दैट ऑफर रेट ऑफ रिटर्न्स इन एक्सेस ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमें वैसे रेट ऑफ रिटर्न को एक्सेप्ट करना है जहाँ पे कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वहाँ उससे ज़्यादा हमें उसमें अगर रिटर्न मिल रहा है तो भी हमें रेट ऑफ रिटर्न रूल में एक्सेप्ट करना है। डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग तो हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है। अभी नेक्स्ट है रिबर्टसन एंड सिक्विनफील्ड स्टडी। एज द लेंथ ऑफ द होल्डिंग पीरियड इज एक्सटेंडेड, स्मॉल डिफरेंसेस इन डिस्काउंट रेट्स कैन लीड टू लार्ज डिफरेंसेस इन फ्यूचर वैल्यू। फ्रेंड रिबर्टसन एंड सिक्विनफील्ड स्टडी यही बताता है कि अगर हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट में स्मॉल डिफरेंस है और हमारा टाइम पीरियड ज़्यादा है तो हमारा जो फ्यूचर वैल्यू है उसमें लार्ज डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक टी बॉन्ड दिया हुआ है, एक टी बिल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टी बॉन्ड का जो वैल्यू है 12.4% दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 12.4% ट्रेजरी बॉन्ड एट एन एवरेज रिटर्न ऑफ 5.2%, सॉरी एवरेज रिटर्न जो है वो 5.2% है, और ट्रेजरी बिल के ऊपर 3.6% का रिटर्न है। बॉन्ड के ऊपर 5.2, बिल के ऊपर 3.6। तो यहाँ पे देखिए कि जब हमारा ईयर वन है तो यहाँ पे बहुत ही माइनर डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमारा ईयर इंक्रीज़ हो रहा है आफ्टर 40 इयर्स
वैल्यू में देखिए कितना डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 759 है, यहाँ 411 है। तो यही इवर्टसन एंड स्प्रिंगफील्ड स्टडी है। नेक्स्ट है हमारा द रूल ऑफ 72, और शॉर्टकट टू एस्टिमेट द कंपाउंडिंग इफेक्ट। रूल ऑफ 72 फ्रेंड्स बताता है कि हाउ क्विकली विल द अमाउंट डबल इन वैल्यू, कोई भी अमाउंट जो है वो डबल कितने दिन में होगी वो इसमें बताया गया है। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, डिवाइडिंग 72 बाय द डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट। जो भी हमारा डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट है 72 में हम उसे डिवाइड करते हैं, तो हमें जो वो टाइम निकल के आता है जिस टाइम में कोई अमाउंट जो है वो डबल होगी। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि इस ईयर जो है 12 ईयर है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो ग्रो कर रहा है। कैश फ्लो ग्रोइंग एट 6% पर एनम विल डबल इन वैल्यू इन अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर्स। यानी 72 को 6% से डिवाइड किया हमने, 72 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारा टाइम जो है 12 ईयर्स, मतलब 12 ईयर्स में अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कोई भी मनी 12 ईयर्स में डबल होगी। वैसे ही अगर 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 72 में हमने 9 से डिवाइड किया तो मनी 8 ईयर्स में डबल होगी। तो यही हमारा रूल ऑफ 72। अभी नेक्स्ट है फ्रेंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला क्या है, 1+r/n^n-1। तो इसको हम लोग जो n की वैल्यू है, अगर क्वार्टरली होगी तो ये 4 होगी, अगर हाफ ईयरली होगी तो ये 2 होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा क्या होगा, अगर हाफ ईयरली है तो ये डिवाइडेड बाय 2, और अगर ये क्वार्टरली है तो डिवाइडेड बाय 4। ऐसे करके हम लोग किसी भी इंटरेस्ट रेट का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं। वैसे देखिए फ्रेंड यहाँ पर 10% का सेमी एनुअली निकाला है कंपाउंडिंग, तो यहाँ पे 1+r है, तो 1+r, r हमारा 10 है तो 5 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1.05, और सेमी एनुअल है इसलिए ये 2 हो जाएगा, पावर 2। तो 1+r/(-1) सिंप्लीफाई करने से हमारा आंसर आया 10.25। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड सेमी एनुअली है, मंथली है, डेली है, तो इस तरीके से हम लोग सारे वैल्यू डिराइव करेंगे। अभी नेक्स्ट जो है हमारा एनुइटी। एनुइटी क्या है फ्रेंड्स, एन एनुइटी इज ए कॉन्स्टेंट कैश फ्लो दैट ऑफर्स एट रेगुलर इंटरवल्स एट फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। एनुइटी जो है वो एक कॉन्स्टेंट कैश फ्लो होता है जो कि हमें रेगुलर इंटरवल्स पे मिलता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एन एनुइटी कैन ऑकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड एज इन दिस टाइमलाइन और एट द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड। एनुइटी जो है वो एंड ऑफ द पीरियड भी हो सकता है, बिगनिंग ऑफ द पीरियड भी हो सकता है। तो फ्रेंड जैसे हम लोग ईएमआई वगैरह देते हैं तो वो हमारा एंड ऑफ द पीरियड हम लोग जमा करते हैं किसी भी लोन्स का, तो वो हमारा एंड ऑफ द पीरियड एनुइटी हुआ। और आरडी की इंस्टॉलमेंट जो होती है वो हम लोग शुरू में जमा करते हैं, इसीलिए वो बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड होता है। अभी नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंड ऑफ द पीरियड एनुइटी। अभी हम लोग एंड ऑफ द पीरियड एनुइटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। एनुइटी फ्रेंड्स इसमें आपको सिर्फ फार्मूला रिमेंबर करना होगा, इसमें ज़्यादा फार्मूला नहीं है, हमारे चार या छः फार्मूले हैं ऐसे ही, तो उनको आप लिखिए, प्रैक्टिस करिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी ये आपको याद होगा। मैं आपको केस स्टडी इसके प्रोवाइड कराऊंगी, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। अभी जो है यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी भी फ्रेंड्स हमारा दो तरह का होता है, एक होता है एनुइटी ऑर्डिनरी और एक होता है एनुइटी ड्यू। तो एनुइटी ऑर्डिनरी जो है वो एंड ऑफ द पीरियड हम लोग देते हैं, तो वही यहाँ पे इसको बता रहा है। तो अभी इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंड ऑफ द पीरियड एनुइटी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ए डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 1+r/(n-1) डिवाइडेड बाई 1+r/n। ये जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसको हम लोग वहाँ पे देखेंगे। ऐसे आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है कि यू हैव अ चॉइस ऑफ बाइंग द कार कैश डाउन फॉर ₹4 लाख और पेइंग ₹90,000 अ पीरियड फॉर 5 ईयर्स फॉर द सेम कार, व्हाट वुड यू डू इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 10%। तो फ्रेंड 90,000 को 5 ईयर्स के लिए अगर रीपे करेंगे तो उनका एवरी ईयर जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो हम लोग यहाँ निकालेंगे इस फॉर्मूले से जो यहाँ पे आपका ऊपर में दिया हुआ है। तो ए हमारा 90,000 हो गया, 1+r, r हमारा 10% था और ईयर हमारा 5 है, तो 1+r/-, फिर ये 1 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई ये जो ए के बट्टे में r है, ये r यहाँ पे आ गया 0.10, और उसके बाद मल्टीप्लाई हुई 1+r/(n), तो 1+r हमारा 10 था तो 1.1 का पावर 5। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारा वैल्यू जो आ रहा है 341171।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे क्या है कि अगर हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं एवरी ईयर 90,000, तो हमें उसका टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 341171 हो रहा है। और अगर हम अभी डाउन पेमेंट करके ख़रीदते हैं तो हमें 4 लाख रुपये आज के आज देने होंगे। तो हमारे लिए डाउन पेमेंट लेना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसलिए हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा वो 90,000 फॉर 5 ईयर्स जो है, दैट इज़ आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी नेक्स्ट जो है वो है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एंड ऑफ द पीरियड एन्यूटीज। वहाँ फर्स्ट में हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला, यहाँ हम फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमारा क्या है, ए फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए बटे में आर मल्टीप्लाई बाई 1 + r⁻ⁿ। ये फॉर्मूला में दोनों में फॉर्मूले में सिर्फ यही डिफरेंस है फ्रेंड्स, ये जो 1 + r⁻ⁿ जो डिवाइड में है ये सिर्फ इस फॉर्मूले में नहीं है। तो आप आसानी से ये दोनों फॉर्मूले को कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एनईटी गिवन द फ्यूचर वैल्यू, ये भी कुछ नहीं है फ्रेंड, ये जो फॉर्मूला है ए बाई आर मल्टीप्लाई बाई 1 + r⁻ⁿ। यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए इज इक्वल टू ये आर जो यहाँ है ये मल्टीप्लाइड में एफ बी के चला जाएगा और 1 + r⁻ⁿ इसके डिवाइड में हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके दिया है। तो जैसे जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा रहेगा हम लोग उस तरीके से फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे। अभी नेक्स्ट है बैलन रिपेमेंट लोन। फ्रेंड्स, बैलन रिपेमेंट लोन का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो हमारा गोल्ड लोन है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो इंटरेस्ट है मंथली इंटरेस्ट उसको हम लोग पे करते जाते हैं, और जो इंटायर प्रिंसिपल होता है वो हम लोग एंड ऑफ द लोन्स लाइफ जो है सबसे लास्ट में जब हमारा लोन मैच्योर हो जाता है उसके बाद हम चुकाते हैं। इसी में फ्रेंड एक है सिंकिंग फंड। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो बैलून रिपेमेंट है तो हमें लोन के एंड टेन्योर पे हमें एक साथ वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल जो है वो रिपे करना होगा। तो उसके लिए बहुत सी कंपनीज़ क्या होती हैं, तो वो सिंकिंग फंड जनरेट करती हैं। वो एवरी मंथ कुछ अपना पैसा जो है वो बचा के सिंकिंग फंड में जमा करती है, ताकि वो उसको जब ज़रूरत हो इन फ्यूचर एक बड़ी लाइबिलिटी को अगर उनको रिपे करना हो तो उस फंड को वहाँ पे वो यूटिलाइज़ कर सके। तो उसी को हम लोग सिंकिंग फंड कहते हैं। अब फ्रेंड हमने एन्यूटीज़ एट द एंड ऑफ द पीरियड देखा, अब हम लोग एन्यूटीज़ एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड देखेंगे। तो देखिए इसमें भी दो फॉर्मूले हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, एक प्रेजेंट वैल्यू के लिए है एक फ्यूचर वैल्यू के लिए है। प्रेजेंट वैल्यू का अगर हमें बिगनिंग ऑफ द पीरियड एन्यूटीज़ निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस ए डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 / r⁻ⁿ। फ्रेंड ये फॉर्मूला बहुत टेढ़ा है ये, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो है बिगनिंग ऑफ पीरियड इन एन्यूटीज़ का फ्यूचर वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ए बटे में आर मल्टीप्लाइड बाई 1 + r मल्टीप्लाइड बाई 1 + r⁻ⁿ। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है इसका, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यू पुट ₹1,000 इन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 ईयर्स विथ एनुअल पेमेंट्स। द फर्स्ट पेमेंट इज मेड टू डे, द लास्ट एंड थर्ड पेमेंट इज मेड एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम एंड कंपाउंडिंग इज डन एट एनुअल बेसिस। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, एन 3 ईयर्स है एंड 1,000 हमारा कंट्रीब्यूशन है और एनुअल बेसिस पे कंपाउंडिंग हो रहा है। तो हमें निकालना है इसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। ए प्लस ए डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 1 + r मल्टीप्लाइड बाई 1 + r⁻ⁿ। यहाँ पे लिया है ए मल्टीप्लाइड बाई 1 + r 1 + r⁻ⁿ डिवाइडेड बाई आर। फ्रेंड ये जो r यहाँ पे बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे घबराने की बात नहीं है। तो 1000 हमारा ए था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% था, तो 1 + r 1.1 हो गया हमारा, और 1.1 का पावर 3 क्योंकि हमारा एन जो है वो 3 है, -1 ये -1 यहाँ पे, और r 10% है तो 0.1। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारा आंसर आएगा मेजोरिटी वैल्यू इन दिस केस वुड बी ₹3641। अब नेक्स्ट है फ्रेंड ग्रोइंग एन्यूटी। ग्रोइंग एन्यूटी क्या है, और ग्रोइंग एन्यूटी इज़ ए कैश फ्लो दैट ग्रोज एट ए कॉन्स्टेंट रेट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ग्रोइंग एन्यूटी जो है वो एक कॉन्स्टेंट रेट के साथ बढ़ता है।
वहाँ पे क्या था, फिक्स रेट की से बढ़ रहा था हमारा, और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। तो और फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो डिस्काउंटिंग ऑफ ग्रोइंग एन्यूटी का फॉर्मूला फ्रेंड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पी बी ऑफ ए ग्रोइंग एन्यूटी इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस जी। जी जो है वो हमारा ग्रोइंग एन्यूटी है, कि वो किस रेट से ग्रो कर रहा है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वो हमको जी में यूज़ करना है। तो वन प्लस जी डिवाइडेड बाई आर माइनस जी, आर जो है हमारा जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो होगा, और वन माइनस वन प्लस जी का पावर एन डिवाइडेड बाई वन प्लस आर का पावर एन। अभी नेक्स्ट है फ्रेंड परपेचुटी। परपेचुटी क्या होता है, परपेचुटी इज ए कॉन्स्टेंट कैश फ्लो पेड और रिसीव्ड एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स फॉर एवर। परपेचुटी जो होता है वो एक कॉन्स्टेंट कैश फ्लो है जो कि हमें एक रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे फॉर एवर मतलब लाइफ टाइम के लिए हमेशा के लिए मिलता रहता है। जैसे कि हमारा लाइफ टाइम पेंशन हो गया, हमारे किसी प्रॉपर्टी रेंटल है कि हमें उसका रेंट मिलता रहेगा, विच इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो मिलता रहेगा। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है पी वी ऑफ परपेचुटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी जो है वो हम लोग निकालते हैं ए बाई आर। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कंसोल बॉन्ड के बारे में। कंसोल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, इसमें एक फिक्स्ड कूपन जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमें फॉर एवर मिलता रहता है। इसका देखिए यहाँ एक एग्जांपल के साथ थ्रू समझाया हुआ है। एज्यूम दैट यू हैव अ 6% कूपन कंसोल बॉन्ड, द ओरिजिनल फेस वैल्यू इज ₹1000, द करेंट वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड इफ द इंटरेस्ट रेट इज 9% इज एज फॉलोज। तो करंट वैल्यू ऑफ द कंसोल बॉन्ड हमारा 1000 का 6% मिल रहा था, तो हमारा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 रुपीज़ हो जाएगी, और हमारा करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9% है, तो ये 0.09 होगा। तो ये डिवाइड करने से हमारा जो वैल्यू आएगा दैट इज 667। अभी नेक्स्ट है फ्रेंड ग्रोइंग परपेचुटी। ग्रोइंग परपेचुटी का फॉर्मूला देखिए क्या है, वहाँ हमने ग्रोइंग एनिटी देखा था, ये हमारा ग्रोइंग परपेचुटी है। तो यहाँ पे सी वन डिवाइडेड बाई आर माइनस जी। सी वन हम लोग कैसे निकालेंगे, ए इंटू वन प्लस जी। जी जो है वो ग्रोथ रेट दिया रहेगा, वहाँ से हम उसका वैल्यू निकाल लेंगे, और ए जो हमारा फेस वैल्यू या जो भी है वो दिया रहेगा, उसका अमाउंट वो रहेगा। तो सी वन इज इक्वल टू ए वन प्लस जी, और यहाँ पे सी वन की वैल्यू हम लेंगे और नीचे आर माइनस जी। तो इससे हम लोग हमारा ग्रोइंग परपेचुटी निकालेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इतना ही था। आप लोग फॉर्मूले को अच्छे से मेमोराइज़ करिए, इसको बार बार देखिए, याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन हर बार सीआईबी में आते हैं, और मैं इसके ऊपर आपको केस स्टडी प्रोवाइड करूँगी, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करिए और फॉर्मूला को याद करिए, और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप थम्स अप और थम्स डाउन के बटन को प्रेस करके हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।